जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसका रिजल्ट्स के रिगार्डिंग में आपको अपडेट देने वाला हूँ, और इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इसका आंसर की आने के चांसेस है बोल के, 100% तो नहीं बोला था, लेकिन आंसर की आने के थोड़े से चांसेस दिखते हैं, मैंने ऐसा बोल के कहा था, क्योंकि जागरण जोश जैसे वेबसाइट में उधर लिखा गया था कि आंसर की भी आएगी, प्रोवाइड की जाएगी बोल के। देखिए, भले ही एग्जाम IBPS कंडक्ट करता हो, लेकिन एग्जाम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था, उसलिए आंसर की आने के चांसेस है, मैंने ऐसे कहा था। तो अभी ये फाइनल हो चुका है कि अभी इसकी कोई आंसर की आने वाली नहीं है, क्योंकि आज आपका 15 नवंबर है, और अगर मैंने आपको ये कहा था कि 10 नवंबर तक आता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप ये मान लीजिएगा कि आंसर की नहीं आएगी। तो वैसा ही दिख रहा है अभी कि आज 15 तारीख है और कोई आंसर की अभी तक नहीं आई है, तो अभी ये फाइनल है कि इसका आंसर की नहीं आएगी। तो अभी मैं इसका रिजल्ट कब आएगा इसके रिगार्डिंग बताऊँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है। सबसे पहले बता दूँ, इसका एग्ज़ाम आपका 14 और 15 अक्टूबर को कराया गया था, और आज है आपका 15 नवंबर, तो एक महीना हो चुका है। देखिए, इसके 6 अलग अलग पोस्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। तो ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, और लास्ट एग्जाम जो आपका था 23 अक्टूबर को था, तो आज आपका 15 नवंबर है। कोई भी रिजल्ट आने में एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना तो लगता ही है, और ऊपर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, तो 1.5 से 2 महीना लगेगा ही। तो उस हिसाब से आपका नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो ये यही है, क्योंकि आप देख लीजिए, आपको कुछ भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के लिए तो 1.5 से 2 महीना तो लगते ही है। तो इसके रिजल्ट्स भी आपको नवंबर एंडिंग से लेकर दिसंबर स्टार्टिंग के बीच में आपको रिजल्ट्स इसका पब्लिश हो जाएगा, और आप वो रिजल्ट्स देख सकते हो। तो वही है, अभी मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताता हूँ आपको। तो इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं, उससे पहले मैं कुछ आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं। ये ऐसा एग्ज़ाम था इसमें जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो कुछ चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसमें क्या चांसेस होते हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकेंगे आप। लेकिन और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि 5 ऑप्शंस थे इसमें। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना और 5 ऑप्शंस होना, ये फैक्टर सेम ही हो जाता है लास्ट में जाके। जैसे किसी बंदे को आंसर नहीं पता और वो ऐसे ही अटेम्प्ट करने वाला है, तो मान लीजिए अभी उसके पास, मतलब वो ऐसे ही अटेम्प्ट करने वाला है और अभी उसके पास है 5 ऑप्शंस। अब 5 ऑप्शंस में क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी और अल्टीमेटली कम ही होने वाली है, तो ये फैक्टर को हम लोग सेम ही मान सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई बोलेंगे कि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो आदमी लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें 5 ऑप्शंस है। तो अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि 80% बैंकिंग टाइप का था और 20% SSC टाइप का। क्योंकि देखिए, मैं पूरा अगर इसको बैंकिंग कहूँ तो बैंकिंग में ज़्यादातर, बैंकिंग में जो एडवांस मैथ्स होता है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह नहीं आता। मैं रीजनिंग में भी आपका डाइस वगैरह नहीं रहता है बैंकिंग में, लेकिन इसमें देखने को मिला था। तो इसको हम 80% बैंकिंग कहेंगे और 20% SSC टाइप कहेंगे। पेपर का ओवरऑल मैं देखूँ तो जितना भी शिफ्ट का था, सबका मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं इसको। और एक चीज़ है, IBPS जब नॉर्मलाइजेशन करती है तो ज़्यादा मार्क्स नहीं देती है वो, कुछ भी एग्ज़ाम में देखिएगा 3-4 मार्क्स जितना ही IBPS के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब फैक्टर को हम मद्देनज़र रखते हैं, उसके बाद हम एक फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, कट ऑफ ये है, अनरिजर्व के लिए 120 से 127, EWS के लिए 118 से 125, OBC के लिए 115 से 120, SC के लिए 110 से 116, ST के लिए 106 से 112। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसकी एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताई, और कब इसके रिजल्ट्स आने के चांसेस है उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया। तो यही है, और फर्दर कुछ इसके रिगार्डिंग और अपडेट आता है तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको अवेयर करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।